रोंगटे खड़ी करने वाली तस्वीरें उस दहशत की गवाही हैं जिसने इसराइल की जमीन को खून से लाल कर दिया। हमास के आतंकवादियों ने मिसाइल से अटैक करके तेल अवीव की इस इमारत को नेस्तनाबूत कर दिया। हमले के बाद पूरी इमारत धू धू कर जलने लगी। खिड़कियों और दरवाजों के कांच जमीन पर बिखरे पड़े हैं। गाजा की धरती से जब हमास ने तेल अवीव की रिहायशी इलाकों पर बारूदी बवंडर का खेल शुरू किया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि इस जंग से 5 दिन बाद इतनी भयावह परिणाम देखने को मिल सकता है। इसराइल और गाजा सीमा पर मलबों का ढेर लगा है। आसमान रॉकेट के धमाकों से गूंज रहा है। एक के बाद एक इसराइल पर हमले की तस्वीरें सामने आती जा रही है। हर तस्वीर में हमास के आतंकियों की करतूत दिखाई दे रही है, मानो उनके सिर पर हैवान सवार हो गया हो। 15 मई 1948 को इसराइल ने खुद को आजाद देश घोषित किया था। तब से लेकर अब तक कई मोर्चों पर इसराइल ने जंग लड़ी है, लेकिन ये अब तक की सबसे बड़ी जंग है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है।